उत्तराखंड में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश और बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं। जो सैलानी हो या फिर श्रद्धालु हो वो फंसे हुए हैं। अनिल बलूनी उत्तराखंड से सांसद हमारे साथ में। अनिल जी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो निश्चित तौर पर चिंताजनक भी हैं। कई जगहों पर लोग फंसे हुए हैं, अभी के ताज़ा हालात क्या हैं? देखिए, हमारे जितने पहाड़ी जिले हैं उनमें अतिवृष्टि हो रही है और बहुत जगह बादल फटने की भी सूचना मिल रही है। मार्ग अवरुद्ध हो रखे हैं और ऊपर अतिवृष्टि के कारण मैदानी क्षेत्रों में भी पानी का भराव हो रहा है। कुछ जगहों पर जान माल की हानि की सूचना मिल रही है। हमारी संवेदनाएँ हैं, हम दुख प्रकट करते हैं। हमारे मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कि मार्ग ही बह गए हैं, क्लाउड बस्ट हुआ है, बादल फटे हैं, उस कारण मार्ग भी अवरुद्ध है। सभी हमारे जिलाधिकारी मौके पर हैं, सभी सहायता कार्यों पर लगे हैं। हमारी राज्य सरकार भी पूरी तरह से उसमें संलग्न है। मुख्यमंत्री जी स्वयं निगरानी कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने कई आपदा क्षेत्रों का दौरा भी किया है। हमारी जो केंद्रीय सरकार की एजेंसी है वह भी पूरी तरह से सहायता कार्यों में लगी है। हमारे नेशनल हाईवे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी काम पर लगे हैं। जो बंद रास्ते उनको खोला जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में सारी चीज़ें वो सामान्य हो, ऐसी हम लोग कामना करेंगे। कल रात में जो जैसी तस्वीरें सामने आई, केदारनाथ घाटी की बात हो या फिर देहरादून के या फिर कई और इलाके आपके जो है जो लोकसभा क्षेत्र हैं, संसदीय क्षेत्र, उस इलाके की बात की जाए तो चिंताजनक जरूर है। तो ऐसे में आपके पास क्या जानकारी है, कितना जानो माल का नुकसान या फिर किस तरीके के अब तक नुकसान? देखिए, अभी मैंने कहा कि बहुत जगहों पर मार्ग बह गए और अभी संपर्क भी कई जगह से टूटा हुआ है। हम लोग सोचते हैं कि जितना जल्दी सामान्य हो सके उसके बाद एक बार आकलन करेंगे और हमारी राज्य सरकार सब लोगों को सहायता पहुँचा ही दी। आवश्यकता पड़ेगी केंद्र सरकार की सहायता की तो वो भी किया जाएगा। पूरा का पूरी भारत सरकार, राज्य सरकार, उत्तराखंड में जो हमारा सहायता कार्य है उसमें लगी। बस एक आखिरी सवाल, लोगों से भी अपील करेंगे खासतौर पर जो सैलानी घूमने फिरने के लिए जाते हैं या श्रद्धालु, क्योंकि कांवड़ का वक्त चल रहा है तो वो लोग भी सावधानी बरतें और मुमकिन है तो अभी जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं, मेरा उन सब लोगों से आग्रह है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में लैंडस्लाइड हो रहा है, बादल फट रहे हैं और पहाड़ों से पत्थर लगातार गिर रहे हैं, तो कृपया सावधानी से यात्रा करें, ध्यान रखें। हमारे प्रत्येक जिले के द्वारा हेल्पलाइन नंबर हैं, वहाँ सहायता के लिए नंबर दिए, उन पर संपर्क कीजिए। अगर कोई भी परेशानी में कहीं स्टक होता है, कहीं रुकता है तो कृपया करके हमारा जिला प्रशासन से संपर्क करें और हमारे द्वारा हर जिला प्रशासन को एकदम निर्देशित कर दिया गया है कि वो राउंड द क्लॉक इन कार्य में रहे। यानी साफ तौर पर जो जिला प्रशासन है उससे कहा गया है कि तमाम लोग जिनको ज़रूरत हो उनकी मदद करें। उसके अलावा जो है कई तरह की जो है जानकारियां ज़रूर सामने आ रही हैं, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता ये है कि लोगों को परेशानी से बचाया जा सके और इसी वजह से उठाए जा रहे हैं समुचित कदम। ये कहना है उत्तराखंड से सांसद अनिल बलूनी का। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़ के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.